सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के एक जाने माने कंपनी के नाम के बारे में, जिसका नाम है डीबीस लेबोरेटरी। इससे पहले मैंने डॉक्टर रेड्डी के बारे में एक वीडियो बनाया था, आप आई बटन पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डीबीस लेबोरेटरीज के बारे में। नाउ अगर डीबीस लेबोरेटरी के बारे में देखें सो ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। नाउ डीबीस लैब का जो बिजनेस है वो 95 कंट्रीज में फैला हुआ है एंड 14,000 प्लस इनके एम्प्लॉयज है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखें तो कंपनी डिवाइड 47% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम टॉप 5 प्रोडक्ट्स। नाउ अगर हम रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो 85% ऑफ द टोटल रेवेन्यू कम फ्रॉम एक्सपोर्ट, यानी हालांकि एक इंडियन ब्रांड है लेकिन 85% ऑफ द रेवेन्यू भी एक्सपोर्ट से जनरेट करते हैं, जहाँ से 47% फ्रॉम यूरोप, 23% फ्रॉम अमेरिका एंड 15% इंडिया। अगर एशिया के बाकी कंट्रीज को देखें तो 11% रेवेन्यू जनरेट करते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 4%। कंपनी के दो मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, एक है कर्नाटका में एंड सेकेंड है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। नाउ अगर कंपनी का मार्केट कैप देखें 1,26,299, करेंट प्राइस 4,758, 52 वीक्स हाई 4,777, 52 वीक्स लो 2,242। स्टॉक के बारे में एनालिसिस करने का मतलब ये कि ये स्टॉक अपने लाइफ हाई के करीब ट्रेड कर रहा है एंड स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट 2 times से भी ज़्यादा स्टॉक ने 1 ईयर में रिटर्न दिया है। ये स्टॉक सबसे अच्छा अकॉर्डिंग टू इस परफॉर्मेंस। स्टॉक का पी है 63.6, अगर ROCE देखे 32.2 एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 23.9, इट्स ब्रिलियंट। अगर इसके पीयर्स के साथ हम कंपेयर करें सो ल्यूपिन, ग्लेनमार्क, जुबिलियंट फार्मा, ग्रैनुअल्स, ये सारे जो कंपनीज है सिमिलर काइंड ऑफ ड्रग्स बनाते हैं जो कि डीबीस लेबोरेटरीज का भी बिजनेस है एंड पी वाइज थोड़ा एक्सपेंसिव है, हम ये कह के चल सकते हैं। हालांकि ग्लैंड फार्मा सबसे एक्सपेंसिव है, ल्यूपिन का वैल्यूएशन कंपैरिजन थोड़ा चीप है। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो सबसे अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32.04 है। वैल्यूएशन एक्सपेंसिव होने का मतलब ये नहीं होता कि स्टॉक खराब है, कभी कभी कोई स्टॉक अगर परफॉर्मेंस अच्छा हो तो उसका वैल्यूएशन थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। अगर इसके रिजल्ट को देखें तो दिसंबर टू मार्च क्वार्टर, जून क्वार्टर का रिजल्ट कंपनी ने भी डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन सेल्स में दिसंबर टू मार्च क्वार्टर में हम जंप देख सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है एंड नेट प्रॉफिट 471 करोड़ से 502। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस को देखें तो 5,394 करोड़ से ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ तक सेल्स बढ़ चुका है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 1,000 करोड़ का जंप हम देख सकते हैं जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है एंड नेट प्रॉफिट 1,377 करोड़ से बढ़ के 1,987 करोड़ हो चुका है। हालांकि एक्सपेंसेस बढ़े, अदर इनकम घटे, लेकिन फिर भी कंपनी का परफॉर्मेंस शानदार है। नाउ अगर नेट प्रॉफिट के बारे में और एनालिसिस करें सो इसका EPS भी है वो भी बढ़ा है अकॉर्डिंग टू नेट प्रॉफिट, 51.85% से 74.75% का EPS कंपनी ने डिक्लेयर किया है। अगर कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो 5 ईयर्स में 13%, 3 ईयर्स में 21%, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर्स में 12%, 3 ईयर्स में 31%, CAGR प्राइस ग्रोथ 10 ईयर्स में 28%, 5 ईयर्स में 33%, 3 ईयर्स में 64%, यानी कंपनी का जो CAGR प्राइस ग्रोथ है वो काबिले तारीफ है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 21 से 24% के बीच कंपनी ने मेंटेन किया है। अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को देखें तो इसमें बहुत अच्छा खासा जंप है, 1,216 करोड़ से 1,947 करोड़, यानी कंपनी ने जितना प्रॉफिट शो किया है उससे ज़्यादा कंपनी ने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश जनरेट किया है जो कि बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। सबसे लास्ट में हम जानेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा, ऑलमोस्ट 52% प्रोमोटर्स के पास है, यानी कंट्रोलिंग स्टेक जो है वो प्रोमोटर्स के पास है। FII का 20.60 एंड DII का 16.56% स्टेक, यानी टोटल 37% का स्टेक, साफ दर्शाता है कि FII DII बहुत बुलिश है एंड ये वन ऑफ द डिफेंसिव बेट इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर फॉर देम एज वेल। पब्लिक होल्डिंग 10.89 इज ऑल्सो गुड। ये वो स्टॉक नहीं है जो आपको एक साल में 5 times रिटर्न दे, लेकिन लॉन्गर हॉरिजन के लिए अगर आप इस कारण स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो सो ये स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा एंड ये स्टॉक एक डिफेंसिव प्लेयर भी है। ये था डीबीस लैब को लेकर एक शॉर्ट एनालिसिस वीडियो, इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।